नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एबीएस, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा। तो जब भी फॉर्म, जो न्यू ईयर के एडमिशन के लिए जब भी फॉर्म आएगा तो उससे पहले सूचना डाल दी जाएगी कि हाँ फॉर्म आ गया है और उसको कैसे फिलअप करना है, सब जानकारी उसमें दे दी जाएगी। और जैसा कि शायद आप लोगों का एग्ज़ाम डेट फरवरी में क्लियर हुआ है तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। फरवरी के लास्ट से शायद एग्ज़ाम है, तो आइए शुरू करते हैं। एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एबीएस बोलते हैं। एबीएस इज ए पॉलीमर विच इज जनरेटेड सॉरी विच इज गेंड बाई पॉलीमराइजिंग स्टायरीन एंड एक्राइलोनाइट्राइल विद द प्रेजेंस ऑफ पॉली ब्यूटाडाइन। जो एबीएस है हमारा, वो कैसे हमें प्राप्त होता है? जब स्टायरीन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉली ब्यूटाडाइन के प्रेजेंट में हम जब उसका रिएक्शन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो हमारा एबीएस प्राप्त होता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पिछली क्लास में हमने बताया है कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आके आपस में जुड़ते हैं तो वो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, लॉन्ग चेन बन जाती है, जो हमारा पॉलीमराइजेशन होता है। तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन वी फाइंड एबीएस, यानी एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। द रिजल्टेंट चेन ऑफ द पॉली ब्यूटाडाइन इज क्रॉस लिंक। ये जो हमारी चेन होती है वो क्रॉस लिंक होती है विथ स्मॉल चेन टू पॉली। जैसा कि मैं बताया हूँ कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है जो पॉली होता है उसमें जो पॉलीमिस अनेक होता है, मोनोमिस सिंगल होता है। इसीलिए मोनोमर जो होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर जो होता है वो छोटे छोटे मोनोमर का समूह, यानी जब वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो वो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है जो हमारा पॉलीमर कहलाता है। अब थर्ड पॉइंट है द नाइट्राइल ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट चेन बीइंग पोलर अट्रैक्ट ईच अदर एंड बाइंड द चेन। जब ये एक दूसरे से आके अटैच होते हैं तो ये चेन को पूरी तरह से बांध देते हैं, मेकिंग एबीएस स्ट्रॉन्गर देन प्योर पॉलीस्टायरीन। तब उसके बाद जो पॉलीस्टायरीन के कंपेयर में एबीएस हमारा और मजबूत हो जाता है। मोनोमर्स इन एबीएस, एबीएस का जो मोनोमर हमारा कई है, एक्राइलोनाइट्राइल है ये हमारा 1,3-डाइब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन, और ये हमारा स्टायरीन है। जब ये तीनों अटैच होते हैं तब हमारा बनता है एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, जो हमारा फाइनल फार्मूला है ये C8H8C4H6C3H3N। इसका जो हमारा है N टाइम्स क्यों है? आफ्टर पॉलीमराइजेशन जब मोनोमर ऐड होते हैं तब वो हमारा एक लंबी चेन बन जाती है, इसीलिए हमें यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के बाद हम इसे N से डिनोट करते हैं। N का मतलब अनेक मॉलिक्यूल। ABS का हमारा जो TG है, यानी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा 105 डिग्री है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसकी कोई अधिक मेल्टिंग पॉइंट सबसे तीक्ष्ण नहीं होती है, मतलब जल्दी नहीं मेल्ट होता है। एवेलेबल फ्रॉम ग्रेनुलर, ये दाने के फार्म में पाया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी है 74 MPa है। प्रोसेसिंग जो हम इसकी इमल्सन प्रोसेस से इसको हम प्रोसेस कराते हैं जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एस जी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.06 होती है। ये आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट, जैसे आपको पूछेगा एग्ज़ाम में तो राइट अबाउट द एबीएस,
अबाउट द एबीएस या राइट अबाउट द एबीएस। तो आपको जैसे किस सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर सेक्शन बी में रहेगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, या यहाँ तक लिख के हम छोड़ सकते हैं इसको, या उसकी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। अगर लॉन्ग में है, सेक्शन सी में है, तो हल्का सा और बढ़ा देंगे। अगर सेक्शन डी में दे दिया तो हमें पूरा शुरू से अंत तक लिखना होगा। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इसकी जो शक्ति है वो हाई रहती है, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, उच्च प्रभाव शक्ति का होता है। गुड स्टिफनेस, इसकी कठोरता भी अच्छी होती है। गुड कलरबिलिटी, इसका जो कलर है वो डिम नहीं रहता है, ग्रे कलर में रहता है, मतलब ग्रो कलर में, हमेशा ब्राइट कलर में दिखता है। एक्सीलेंट सरफेस क्वालिटी, इसकी सरफेस क्वालिटी भी अच्छी होती है। हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी एट एवेलेटेड टेम्परेचर। गुड केमिकल रेजिस्टेंस एंड गुड स्ट्रेस क्रैकिंग रेजिस्टेंस, जब हम इस पर सडन लोड देते हैं या अधिक भार देते हैं तो ये जल्दी नहीं ब्रेक होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? नॉन ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी नहीं होता है। लैक ऑफ फ्लेम, फ्लेम में जल्दी ये जलता नहीं। पुअर वेदरिंग रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के साथ ये वेदर के साथ भी कॉपरेट नहीं जाता करता है। जैसे कुछ मटेरियल होते हैं वेदर के इफेक्ट से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ, और वैसा इसमें नहीं होता है, सॉरी इसमें वैसा होता है, ये पुअर वेदरिंग रेजिस्टेंस है, ये नेचर के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रख पाता है। जैसे अगर मौसम ख़राब हुआ या उसके मॉइस्चराइजर से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। एप्लीकेशंस, यानी इससे हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं या क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। टेलीफोन बॉडीज, इससे हम टेलीफोन की बॉडी बनाते हैं। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट बनाते हैं। पाइपिंग, कार कंपोनेंट्स बनाते हैं। टीवी रेडियो कैसिंग, कंट्रोल पैनल, वॉल बॉडीज, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये जितने भी मटेरियल होते हैं ये अगर इसको फ्लेम में ले जाया जाए तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं, मतलब कुछ टेम्परेचर देने के बाद ही मेल्ट होते हैं। अब हमारा जैसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है, राइट द एप्लीकेशंस नेम ऑफ एबीएस, कि एबीएस से जो बने मटेरियल हैं उनका नाम लिखे, तो आप उसमें एक नंबर में ये नाम दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।